Respected teachers and all my dear friends, my name is Sangeeta and today I want to discuss about the topic of group discussion. So basically group discussion kya hoti hai, iske bare mein aaj hum discuss karte hain. To group discussion ka matlab hota hai isme sabhi participant ki thinking different hoti hai aur isme 6 se 15 participant hote hain jo ki ek specific topic pe discuss karte hain. For example, aap koi bhi topic le lo, logarithmic le lo, social networking सोशल स्टडी ले लो, इंटरनेट नेटवर्किंग ले लो, इस पर जो सभी पार्टिसिपेंट होंगे उनकी अलग अलग थिंकिंग होगी, डिफरेंट थिंकिंग होगी. किसी की इस टॉपिक पे पॉजिटिव हो सकती है, देन किसी की नेगेटिव हो सकती है. जब सभी टाइप की थिंकिंग को डिस्कस किया जाता है तो उसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. एंड देन इस ग्रुप डिस्कशन से हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ती है. हम जब सोचते हैं कि हमें किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्हेन इट इज़ गुड और बैड, देन इससे हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बढ़ती है. हमारी जो इससे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, हम एज अ लीडर आगे आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जिससे हमारी लीडरशिप क्वालिटी है जो बढ़ती है. इससे हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है. देन सम मोर लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशंस मे बी एक्सप्रेस एज ओपिनियन. अगर हमें अपने ओपिनियन किसी के आगे रखने हैं तो वो हम किस वे से या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी पार्टिसिपेट के आगे, तो हम उसे कह सकते हैं आई बिलीव, आई थिंक, इट्स सीम टू मी, इट्स टाइप के सेंटेंस को यूज़ करके हम किसी के भी आगे अपने ओपिनियन रख सकते हैं. देन आपके आगे आता है एक्सप्रेसिव एग्रीमेंट्स. एक्सप्रेसिव एग्रीमेंट तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी सेंटेंस को लेके एग्री करते हैं, हमें वो सेंटेंस ठीक लगा, हमें उस पार्टिसिपेंट के आगे अपना जो ओपिनियन, जो अपने एक्सप्रेशन है वो रखने हैं, वो हम किस वे से रख सकते हैं. हम उसे बोल सकते हैं यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू. देन इसके बाद आता है इसके ऑपोजिट एक्सप्रेसिव डिसएग्रीमेंट. इसका मतलब होता है अगर आप किसी के सेंटेंस को लेके एग्री नहीं करते, आई डोंट एग्री विद यू, देन आपको उसके आगे अपने ओपिनियन शेयर करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो? आप बोल सकते हो आई एम सॉरी व्हाट योर पॉइंट, आई एम सॉरी बट आई सी इट इज अ लिटिल डिफरेंटली, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट बट आई एम सॉरी आई कांट गो अलोंग विद यू. एंड देन इसके बाद आता है आपकी ऑफरिंग सजेशन. अगर आपको किसी को कोई सजेशन ऑफर करना, इसमें तो आप कैसे कर सकते हो? आप बोल सकते हो आई थिंक वी शुड, वाई नॉट वी, लेट, कुड नॉट वी. देन इस इन सेंटेंसेस का यूज करके आप किसी के भी आगे अपनी जो ओपिनियन है वो रख सकते हो. उसके बाद आता है आस्किंग ओपिनियन. आस्किंग ओपिनियन का मतलब होता है आपको किसी से कोई सजेशन लेना है, ग्रुप डिस्कशन से किसी से पूछना है कि देन इट इज राइट और रॉन्ग, देन आपको वो किस वे से पूछना है, किस वे से उसको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं. आपको बोल सकते हो कि व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट डू यू फील अबाउट, आई वंडर व्हाट डू यू थिंक अबाउट. सो इस वे से आप उससे पूछ सकते हो कि यस इट इज राइट और रॉन्ग. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हैंडलिंग इंटरप्शन. इंटरप्शन का मतलब होता है कि आपको किसी के पॉइंट को इंटरप्ट करना है, देन आप वो किस वे से कर सकते हो? आपको किसी का पॉइंट अच्छा नहीं लगा, उसको इंटरप्ट करना है, तो आप बोल सकते हो जस्ट अ वेट, कुड आई स्पीक फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, कुड यू वेट अ मिनट प्लीज. देन इसके बाद आ जाएगी आपका कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपकी समरी और कंक्लूड आ जाएगा. इसमें जो भी आपने टॉपिक लिया है, जब डिस्कस किया है, उसको लेकर आपको उसका कंक्लूजन निकालना ही होता है. देन इट इज इम्पॉर्टेंट. इसके बाद आपका एंड ऑफ द आ जाता है कि आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ग्रुप डिस्कशन में किन किन चीज़ों को मेंटेन बनाकर रखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. और उसके बाद आ जाता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड का होना भी बहुत जरूरी है. देन आपको जो आपकी वॉइस है वो लॉजिकली होनी चाहिए. जब आप किसी ग्रुप डिस्कशन के ट्रैक पर पहुंच जाते हो तो आपकी जो वॉइस है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड देन जो भी आप डिस्कस कर रहे हो उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल ही करेक्टली यूज करनी चाहिए, आपकी ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए. एंड आपको अनदर पर्सन को भी मौका देना चाहिए कि उसका भी चांस है, उसको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए. एंड देन जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी ग्रुप डिस्कशन में वो है डोंट बी अग्रेसिव, एंड सेकेंडली डोंट लूज योर आईज कॉन्टैक्ट, एंड ऑल्सो डोंट बी रश ऑन इट.
एंड अवॉइड द टाइम कंज्यूमिंग इन डिटेल्स. डोंट लूज योर आई कॉन्टैक्ट एंड डोंट कट द लाइन ऑफ अदर्स. एंड दैट्स ऑल, दैट्स माई प्रेजेंटेशन. थैंक यू.